वैसे तो सभी भगवान अपने भक्तों पर दयावान रहते हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जहां भक्तों पर कष्ट आने से पहले ही मंदिर में स्थापित मूर्ति से आंसू बहने लगते हैं। लोग इसी से आने वाली परेशानियों का अंदाजा लगा लेते हैं। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मौजूद है। कांगड़ा क्षेत्र में ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर स्थापित है। यहां के आसपास के क्षेत्रों में जैसे ही कोई परेशानी आने वाली होती है तो भैरव बाबा की मूर्ति से आंसुओं का गिरना शुरू हो जाता है। स्थानीय नागरिक इसी से आने वाली परेशानियों का पता लगाते हैं। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में स्थापित भैरव बाबा की प्रतिमा के बारे में ये कहा जाता है कि ये मंदिर 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब भी उन्हें प्रतिमा से आंसू गिरते हुए देखते हैं तो वो श्रद्धालुओं के संकट को दूर करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हवन का भी आयोजन किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये सब करने से भैरव बाबा भक्तों पर आने वाले परेशानियों को टाल देते हैं। ये जगह तंत्र मंत्र सिद्धियों, ज्योतिष विद्याओं, तंत्र शक्तियों, देव परंपराओं की प्राप्ति का पसंदीदा स्थान रहा है। ये एक शक्ति पीठ है जहाँ माँ सती का दाहिना वक्ष स्थल गिरा था। कहा जाता है कि साल 1976 से 1977 में इस मूर्ति में आंसू और शरीर से पसीना निकला था। उस वक्त कांगड़ा बाजार में भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें काफी दुकानें जल गई थी। उसके बाद से यहां ऐसी विपत्ति टालने के लिए हर साल नवंबर और दिसंबर के मध्य में भैरव जयंती मनाई जाती है। उस दौरान यहां पाठ और हवन भी होता है। श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर के समीप मालकड़ा पहाड़ी की ढलान पर उत्तर की नगरकोट में स्थित है। यहां तीन धर्मों के प्रतीक के रूप में माँ की तीन पिंडियों की पूजा की जाती है। माता ब्रजेश्वरी का ये शक्तिपीठ अपने आप में अनूठा है क्योंकि यहाँ केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम और सिख धर्म के लोग इस धाम में आकर पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के तीन गुंबद इन तीन धर्मों के प्रतीक हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।